बायोलॉजी क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 के अंतर्गत परागण और अनिषेचता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है निषेचन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पादप है आवर्तबीजी पादप है, इन आवर्तबीजी पादपों का नर जनन नाम है, क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। इसी प्रकार जो मादा जननांग है, मादा जननांग वो क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर। क्या कहते हैं उसे? स्त्रीकेसर। तो जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के परागकोष में, इसमें परागकोष में लघु बीजाणु जनन के द्वारा, किसके द्वारा? लघु बीजाणु जनन। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु या पराग कण का। और हमने पढ़ा था परागण का अंकुरण। तो परागण का जो अंकुरण होता है, तो अंकुरण के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण क्या करते हैं? नर युग्मक। इसी प्रकार जो स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर के बीजाणु में, इसमें जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में क्या होगा? बीजांड। इस बीजांड में किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का। इसका निर्माण होता है भ्रूण कोश का। और इस भ्रूण कोश के अंतर्गत अंडकोशिका पाई जाती है। क्या मिलती है? अंडकोशिका। और यही अंडकोशिका जो है वो किसके रूप में कार्य करती है? मादा युग्मक के रूप में। किस रूप में कार्य करती है? ये मादा युग्मक के रूप में। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, इन दोनों में संलयन की क्रिया होती है। और जो संलयन की क्रिया होती है वही क्या कराती है? निषेचन। अर्थात इन दोनों युग्मकों में क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का। कैसा होगा युग्मनज? द्विगुणित, क्योंकि मादा युग्मक कैसे होते हैं? इस द्विगुणित युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण। ये क्रिया कहलाते हैं युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया भ्रूणोद्भव है। क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाती है ये? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहलाता है। तो यहां हमारे समझाने का मतलब ये है कि जो निषेचन है, इस निषेचन के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का क्या होता है? संलयन होता है। और संलयन के द्वारा परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं, निषेचन की परिभाषा हो जाएगी नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों, नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों के
संलयन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की परिभाषा हो जाएगी, नर में मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखो निषेचन की जो खोज की थी, निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर। और लास्ट स्टेप है निषेचन। लास्ट स्टेप है निषेचन। देखिएगा ये थे निषेचन या फर्टिलाइजेशन के चरण, जिसके अंतर्गत पहला चरण है पराग कण का अंकुरण एवं पराग नली का निर्माण। सेकेंड स्टेप है पराग नली की वृद्धि एवं उसका मार्ग। थर्ड है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। फोर्थ स्टेप है पराग नली का भ्रूणकोष अर्थात एम्ब्रियो सैक में प्रवेश और नर युग्मकों का भ्रूणकोष में स्वतंत्र होना या भ्रूणकोष में इनका विसर्जन होना। और लास्ट स्टेप है छठा फर्टिलाइजेशन या निषेचन।
पहला स्टेप है पराग कणों का अंकुरण, ये क्या है वर्टिकाग्रह, ये वर्टिका हो जाएगी। देखो तो परागकोष से परागकण के मुक्त होने के पश्चात ये परागकण है परागण क्रिया के द्वारा कहां पहुंचते हैं पुष्प के जायांग के वर्टिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे ही ये वर्टिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यहां पर पराग स्त्री निषर्ग पारस्परिक क्रिया होती है, अर्थात यह वर्टिकाग्र इन सुयोग्य परागकण की पहचान करने का कार्य करती है। क्योंकि यदि परागकण स्वयं जाति का होगा तो इस वर्टिकाग्र पर इस परागकण का अंकुरण होगा, अन्यथा जो वर्टिकाग्र है इन्हें परागकणों को रिजेक्ट कर देती है, अर्थात इनका अंकुरण इस वर्टिकाग्र पर नहीं होता है। तो जैसे ही कोई भी सुयोग्य परागकण इस परागण क्रिया के द्वारा पुष्प के जननांग में वर्टिकाग्र पर पहुंचता है तो यह परागकण इस वर्टिकाग्र से रेजिन लिपिड बोरॉन व जल इत्यादि ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है जो परागकण है इन वर्टिकाग्र की कोशिकाओं से रेजिन लिपिड बोरॉन और जल इत्यादि क्या कर लेता है ये ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के पश्चात जो परागकण है इस परागकण के जीवद्रव में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप जो अंतःशोल है उस अंतःशोल पर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जो अंतःशोल है यह अंतःशोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। जो अंतःशोल है यह अंतःशोल एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, उस नलिका को बोलते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं उसको पराग नलिका। तो यह पराग नलिका किसके द्वारा बनी अंतःशोल के द्वारा, यह हो जाएगी इसकी बाह्यचोल परागकण की बाह्यचोल। ये अंतःशोल और इसी अंतःशोल के द्वारा पराग के अंकुरण के समय किसका निर्माण होता है पराग नलिका का, इसका निर्माण होता है पलंडियो या पराग नलिका। अब देखो जैसे ही पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो परागकणों का अंकुरण हो जाता है। यहां देखो जब परागकण है एक परागकण है, इस एक परागकण में हमने बताया था कि जनन छिद्रों की जो संख्या है वो सामान्य से एक से लेकर तीन तक होती है,
एक पराग नलिका होती है। तो इस प्रकार के जो परागण है एक नली की है, परागण कहलाते हैं। जब एक परागण के अंकुरण से केवल एक ही पराग नलिका बनेगी, क्या बनेगी? एक ही पराग नलिका। तो इस प्रकार के परागण कहलाएंगे एक नली की है परागण। लेकिन जब एक परागण से एक से अधिक पराग नलिका बनेगी, तो इस प्रकार के जो परागण है वो बहु नली की है, बहु नली की है पराग कण कहलाते हैं। तो जब एक से अधिक जो पराग नलिकाओं का निर्माण है एक परागण से होगा, तो इस प्रकार के जो परागण है वो बहु नली की अर्थात पॉलीसल्फोनस कोलनग्रेन कहलाते हैं। जब भी एक परागण से एक से अधिक पराग नलिकाएं बनती हैं उनमें से केवल एक ही पराग नलिका फंक्शनल होती है, मतलब कार्यशील होती है, बाकी जो पराग नलिकाएं हैं वो कार्यशील नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत जो इसी चरण या पद के अंतर्गत परागण का क्या हुआ? वर्तिकाकार पर अंकुरण हुआ और अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण हुआ? पराग नलिका का। इसका निर्माण हुआ पराग नलिका। अब देखो इस पराग नलिका की जो लंबाई है वो अलग अलग आवर्त त्रिज्यीय पात्रों में जो वर्तिका है वर्तिका की लंबाई पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप देखते हैं, दूसरा पद है पराग नली की वृद्धि एवं उसका मार्ग। सेकंड स्टेप है पराग नली की वृद्धि एवं मार्ग। देखिएगा इस स्टेप के अंतर्गत क्या होगा कि जो वर्तिकाग्र है इस वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है पराग नलिका। और यह पराग नलिका जो है वो वर्तिका में वृद्धि करती है। इसमें वृद्धि करती है वर्तिका में, और वर्तिका से होते हुए ये कहां जाती है? अंडाशय में। कहां जाती है? अंडाशय। तो इस स्टेप में क्या होगा कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका, इस पराग नलिका की इस वर्तिका में वृद्धि होती है जिसके परिणाम यह है पराग नलिका इस वर्तिका से होते हुए किस में पहुंच जाती है? अंडाशय में। और अंडाशय में जाकर ये बीजाणु में प्रवेश कर जाती है। इसमें प्रवेश करती है बीजाणु में। और बीजाणु में प्रवेश करके ये भ्रूणकोष में प्रवेश कर जाती है। बीजाणु के द्वारा किस में चली जाती है? ये एम्ब्रियो से क्या भ्रूणकोष में प्रवेश कर जाती है। तो इस स्टेप के अंतर्गत हम पराग नली की वृद्धि और उसके मार्ग को देखेंगे। तो यहां देखो जो वर्तिका है, ये वर्तिका तीन प्रकार की होती है। वर्तिका के कितने प्रकार है? तीन। तीन प्रकार के वर्तिका है। यह है वर्तिका। पहला है खुली वर्तिका। खुली वर्तिका। सेकेंड है
तीसरा प्रकार है बंद वर्तनी। ये तीन प्रकार की वर्तिका ये स्टाइल पाई जाती है। पहला है खुली वर्तिका। इस प्रकार की वर्तिका जो है वो कैसी होती है, ओपन होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जब परागकण का अंकुरण होता है तो परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप निर्मित जो पराग नलिका है यह पराग नलिका बिना किसी अवरोध के पराग नलिका इस वर्तिका से होते हुए अगर बिना किसी अवरोध के अंडाशय तक पहुंचती है तो इस प्रकार की जो वर्तिका वो कहलाती है ओपन स्टाइल या खुली वर्तिका, क्योंकि इसमें जो वर्तिका इस वर्तिका को किसी प्रकार के अवरोध का सामना इस वर्तिका सॉरी जैसे पराग नलिका को किसी प्रकार के जो अवरोध का सामना इस वर्तिका के भीतर नहीं करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की वर्तिका कहलाती है ओपन स्टाइल या खुली वर्तिका। सेकेंड प्रकार के आधी खुली या आधी बंद यानी कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड स्टाइल। देखो इस प्रकार की जो वर्तिका है इस वर्तिका के अंतर्गत वर्तिका में बीच बीच में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, बीच बीच में कोशिकाओं के ग्रुप्स पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं, यह कोशिकाओं के समूह तो जो परागकण का अंकुरण है, परागकण के अंकुरण के द्वारा निर्मित जो परागनलिका है यह परागनलिका इन खाली स्थानों से होते हुए वर्तिका में जो खाली जगह मिली इन खाली जगहों से होते हुए कहां पर पहुंचती है, अंडाशय। तो इस प्रकार की जो वर्तिका है वो कहलाती है आधी खुली या आधी बंद, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः खुली हुई है और ना ही पूर्णतः ये बंद है, अपितु इसमें बीच बीच में क्या है रिक्त स्थान होते हैं, उन खाली स्थानों से होते हुए जो पराग नलिका है यह पराग नलिका कहां तक पहुंचती है, अंडाशय तक पहुंचती है। और तीसरे प्रकार की है बंद वर्तिका, थर्ड टाइप कौन सा है इसका, बंद वर्तिका। तो इस प्रकार की जो वर्तिका है इसमें जो कुंडक है या संरचना है उसके द्वारा ये कुंडक बंधी हुई होती है। इस प्रकार की जो वर्तिका है वो कुंडक कोशिकाओं के द्वारा बंधी हुई होती है, संरचना के द्वारा बंधी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप जो पराग नलिका है यह पराग नलिका इस वर्तिका से होते हुए आसानी से अंडाशय तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर जो पराग नलिका है यह पराग नलिका एक एंजाइम श्रावित करती है, कौन सा एंजाइम, पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंजाइम। तो यहाँ पर जो पराग नलिका है यह पराग नलिका है पेक्टिनेज एंजाइम श्रावित करेगी और यह पेक्टिनेज एंजाइम अब इस वर्तिका के उत्तकों को या कोशिकाओं को गलाता है, क्या करता है करेगा, जो पेक्टिनेज एंजाइम है यह पेक्टिनेज एंजाइम इस वर्तिका के उत्तकों को या कोशिकाओं को गला देता है, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका के लिए मार्ग का निर्माण हो जाता है और जो पराग नलिका है फिर इस वर्तिका से होती हुई कहां पहुंच जाती है, अंडाशय, कहां पहुंच जाती है, अंडाशय। इस प्रकार की जो वर्तिका है यह वर्तिका कहलाती है बंद वर्तिका या क्लोज्ड स्टाइल। तो यह था पराग नलिका की वृद्धि एवं उसका मार्ग। नेक्स्ट लेवल थर्ड स्टेप है पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश। तीसरा चरण देखो
बीजांडों में प्रवेश। देखिए हम जो परागमणि है, यह परागमणि इस वर्तिका से होते हुए कहां पहुंच गई? अंडाशय में। परागमणि का जो है इस वर्तिका से होते हुए कहां पहुंच गई? अंडाशय में। और हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंतर्गत जो अंडाशय में बीजांड संपर्क बीजांड जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय में क्या होगा? बीजांड से होगा, प्लेसेंटा होगा, उस प्लेसेंटा पर बीजांड व्रत की सहायता से क्या जुड़े रहते हैं? बीजांड। तो जो परागनलिका है, यह परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करने के पश्चात किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड। और जो बीजांड है, उस बीजांड में क्या होता है? भ्रूणकोष। बीजांड में क्या होता है? भ्रूणकोष। उसके पश्चात ये भ्रूणकोष में प्रवेश करेगी, जो हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं इसमें बीजांड में प्रवेश। तो देखो परागनलिका, इस परागनलिका बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से करती है। पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश बीजांड ग्रंथ, ये संरचना किसकी है? बीजांड की। तो देखो ये सिरा कहलाता है बीजांड का सिरा। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला सिरा कहलाता है निभाग। क्या कहलाता है? निभाग। तो देखो परागण का अंकुरण हुआ और परागण के अंकुरण के द्वारा इसका निर्माण हुआ परागण नलिका का। ये हो गए परागण नलिका। यह पराग नलिका यदि इस बीजांड में जाएंगे, बीजांड यदि ये जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका इस बीजांड में यदि बीजांड द्वारा सिरे से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वारा सिरे से। तो इस प्रकार का जो प्रवेश है वो कहलाता है बीजांड द्वारी प्रवेश। यह इसको बोलते हैं पोरोगेनी। इसको पोरोगेनी। तो अधिकांश आवर्त बीजी पादप है, इन आवर्त बीजी पादपों में जो पराग नलिका, इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश इस बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है। सेकंड है मध्य प्रवेश। या मीजोगेनी, मीजोगेनी। मध्य प्रवेश, इसे मध्य प्रवेश को अध्यावरणी प्रवेश ही कहते हैं। तो इसको अध्यावरणी प्रवेश। यहां देखो
यहां जो परागनलिका है यह परागनलिका बीजाणु में प्रवेश से लेकर अध्यावरण से होती है। ये क्या है? अध्यावरण। यह परागनलिका अध्यावरण से होते हुए कहां प्रवेश किया? बीजाणु में। लेकिन यह इस भ्रूणकोश में तो यह बीजाणु वाले से भी प्रवेश कर गई। चाहे बीजाणु में इसका प्रवेश कहीं से भी हो, परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश कहीं से भी हो, लेकिन जो एम्ब्रियो सेल के भीतर जाएगी यहां से वो तो यह इसी बीजाणु द्वारा शरीर से होकर जाती है। चाहे इसका प्रवेश बीजाणु द्वारा शरीर से हो या अध्यावरण से हो या निर्भाग शरीर से हो, कहीं से भी हो, लेकिन इसके भीतर जो जाएगी एम्ब्रियो सेल में वो तो यह बीजाणु द्वारा शरीर से ही प्रवेश करेगी। और इस प्रकार का जो प्रवेश है वो कुकुरविका के अंतर्गत। नेक्स्ट है थर्ड, निभागी प्रवेश। निभागीय प्रवेश इसको बोलते हैं चेरेटोगेनी। निभागीय प्रवेश देखो, यहां पर परागनलिका है, यह परागनलिका इस बीजाणु में निभागी शरीर से प्रवेश करती है। परागनलिका जो है इस बीजाणु में कहां से प्रवेश करेगी? निभाग से। लेकिन यह बीजाणु में प्रवेश तो कहां से कर गई? निभागी शरीर से। लेकिन इस एम्ब्रियो सेल के भीतर जो जाएगी वो इस बीजाणु वाले शरीर से ही। यहां से जो परागनलिका है यह परागनलिका अध्यावरण से होकर घूमती है, घूमकर कहा जाती है बीजाणु द्वारी श्रेणी। और इस बीजाणु द्वारी श्रेणी से ही फिर एम्ब्रियो सेल में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार का जो निभागीय प्रवेश है वो किसमें मिलता है? केजुलाइना में। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा केजुराइना। तो केजुराइना नामक पादप के अंतर्गत जो परागनलिका है वो बीजाणु में प्रवेश किस तरह से करती है? निभाग शरीर से, इसलिए इसको बोलते हैं निभागीय प्रवेश। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो परागनलिका है यह परागनलिका इस बीजाणु में कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन यह एम्ब्रियो सेल में तो यह बीजाणु द्वारा शरीर से ही होकर जाती है। ये था परागनलिका बीजाणु में प्रवेश। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप देखते हैं, परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश।
प्रवेश। एम्ब्रियो सेल की संरचना हम पढ़ चुके हैं, इसमें निभाग सिलेंगी और किस सिलेंगी और निभाग सिलेंगी और तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कहलाती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। जबकि जो बीजाणु वाले स्राव है जिनमें से बड़ी कोशिका को कहलाती है अंडक कोशिका, और जो दो छोटी कोशिकाएं हैं वो कहलाती है सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। और इसके केंद्रीय भाग में बड़ी कोशिका होती है, जिसके अंतर्गत दो ध्रुवीय केंद्र पाए जाते हैं वो कहलाती है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। तो यहां देखो, अभी हमने पढ़ा था पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश। तो पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश तीन प्रकार से मिलेगा। उसके पश्चात जो पराग नलिका है, यह पराग नली एम्ब्रियो सेल या भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। अब देखो जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका, यह पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश करने के पश्चात एम्ब्रियो सेल में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? ये पराग नलिका इस एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करते हैं। तो जो एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंतर्गत या भ्रूणकोश के अंतर्गत जो पराग नलिका है, इसका प्रवेश कई प्रकार से हो सकता है। जैसे जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका एक सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका व भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से ये जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका इस भ्रूणकोश के अंतर्गत प्रवेश कहां से कर सकती है? एक सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका है, ये क्या है? भ्रूणकोश की भित्ति। ये क्या है? तो यह पराग नलिका इस सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति है, इसके बीच में से होकर कहां जा सकती है? एम्ब्रियो सेल में, यहां से होकर। तो यह हो गया सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से। सेकंड है, दोनों सहायक कोशिकाओं के, दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से, या फिर जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका इस सहायक कोशिका और इस सहायक कोशिका दोनों के मध्य से होकर प्रवेश कर सकती है। क्योंकि यहां पर अंडक कोशिका की स्थिति इस प्रकार होती है कि जो सहायक कोशिका है, ये सहायक कोशिकाएं जो आगे की ओर होती है। सहायक कोशिका क्या होती है? दोनों सहायक कोशिकाएं आगे की ओर होती है,
और इनके पीछे जो अंडकोशिका होती है वो अंडकोशिका बड़ी होती है, क्या होती है बड़ी। तो यहाँ पर जो पराग नलिका जाएगी इन दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच से होकर जाएगी इस प्रकार। ये बड़ी तो हुई अंडकोशिका और ये दोनों हो गई सहायक कोशिका। तो यहां पर जो पराग नलिका जाएगी यह पराग नलिका इन दोनों सहायक कोशिकाओं से मध्य से होकर गुजरेगी, दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से होकर गुजरेगी। इसमें थर्ड कंडीशन हो जाएगी अंडकोशिका सहायक कोशिकाओं के मध्य से, सहायक कोशिकाओं के मध्य से। तो यहां पर थर्ड कंडीशन में जो पराग नलिका है एम्ब्रियो सेल के अंदर फांसी जा सकती है, दोनों तो सहायक कोशिका और एक ही अंडकोशिका है, इनके बीच से होकर अर्थात दोनों सहायक कोशिका अंडकोशिका के मध्य में जो खाली जगह होती है उसमें से होकर ये एम्ब्रियो सेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन है किसी एक सहायक कोशिका, किसी एक सहायक कोशिका को भेदती हुई,
मादा युग्मकों के द्रवों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो यहां पर जो आवर्त निजी पादप है, इन आवर्त निजी पादपों में जो युग्मक है वो अगतिशील होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? आवर्त निजी पादपों में अगतिशील, और अगतिशील होने के कारण जो नर युग्मक है ये नर युग्मक मादा युग्मक का स्वयं ही नहीं जा सकता। इसीलिए जो नर युग्मक है नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य कौन करती है? पराम नलिका। अर्थात जो नर युग्मक है एक नलिका नुमा संरचना के द्वारा कहां तक पहुंचाए जाते हैं? मादा युग्मक तक। अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक तक किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? पराग नलिका के द्वारा। इसीलिए इस प्रकार का निषेचन किया जाता है साइफोनस अर्थात नली की निषेचन, या इसको कह देंगे नाल युग्मनी निषेचन। क्योंकि आवर्त पादपों में जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक का पराग नलिका के द्वारा ले जाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का निषेचन कहता है नलिकीय निषेचन या नलिकीय निषेचन कहलाता है। अब यहां देखो अभी हमने पढ़ा कि भ्रूणकोश के अंतर्गत दो नर युग्मक कितने? दो नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं। इनमें से एक नर युग्मक किसके साथ? अंडकोशिका के साथ। किसके साथ? अंडकोशिका के साथ निषेचन करता है, और निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनस का। अब इस युग्मनस से आगे चलकर भ्रूण का निर्माण। तो दूसरा नर युग्मक है सेकंड नर युग्मक। ये दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ, इसके साथ केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन करता है। यहां पर नर युग्मक कैसा होता है? एवरेज। ये भी कैसा होगा? एन। और ये भी अंडकोशिका क्या होगी? एन। इसीलिए निषेचन के पश्चात जो युग्मनस बनेगा वो कैसा होगा? टू एन। और इससे द्विभुज भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर देखो नर युग्मक कैसा था? एन। और जो केंद्रीय कोशिका हम पहले बता चुके हैं दो ध्रुवीय केंद्र जो संलयित हो जाते हैं कैसे हो जाती है? टू एन। इन दोनों में होगा निषेचन, और निषेचन के द्वारा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का। टू एन ले रहा एन ले रहा, ये कैसे हो जाएगा? थ्री एन। कैसे हो जाएगा? थ्री एन। अर्थात त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना, और इस त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है भ्रूणकोश, जो कैसा होता है? आवर्त निजी पादपों में त्रिगुणित। और यही भ्रूणकोश आगे चलकर इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए
सत्य निषेचन, यह इसको प्रथम निषेचन भी कहते हैं। प्रथम निषेचन यह इसको सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी और जो दूसरी बार निषेचन होता है वो सेकेंड नलयुग्मक, दूसरा नलयुग्मक और केंद्रीय कोशिका के मध्य होता है, वो कहलाता है त्रिसंलयन। और ये दोहरा निषेचन। इस वीडियो में इतना ही।